हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कैरी बैग का रीयूज कर ये बिग साइज का फ्लावर बनाकर दिखाऊंगी। इस फ्लावर को बनाकर आप लोग चाहे तो डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको आप लोग फ्लावर वॉश में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये दो फ्लावर बनाकर दिखाया था, जो नॉर्मल हम लोगों के घर में ब्लैक एंड वाइट कलर का कैरी बैग आता है उसकी मदद से। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बड़े साइज का फ्लावर बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा से बड़े साइज़ का कैरी बैग ले लिया है। आप लोगों के पास कोई भी कलर का है आप लोग उससे बना सकते हैं। कैरी बैग के हैंडल की तरफ में देखिए इस तरीके से राउंड करते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ से छोटे साइज का एक कटिंग कर लेंगे। देखिए ये एक छोटे साइज का कटिंग हो चुका है। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। दूसरी साइड में कैरी बैग का देखिए जो हैंडल है उस वहाँ पर इसको इस तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ से इसको कटिंग करेंगे दोनों साइड में। देखिए फिर इस तरीके से ये इस वाले साइड से भी कटिंग कर निकालेंगे। अब ऐसे ही हम लोगों को इसी के नाप से कटिंग करते जाना है। देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। फिर दूसरी साइड का देखिए ऊपर की तरफ से इस तरीके से अगर आप लोग सेट करते हुए निकालेंगे तो आप लोगों का बड़े साइज़ का बनेगा और आप लोगों का वेस्ट भी नहीं होगा। कैरी बैग सब तरफ से आप लोग राउंड करते हुए निकाल सकते हैं। जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसे देखिए दोनों हैंडल का हम लोगों का यूज़ हो गया। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से बीच से सेट करते हुए निकालेंगे। बस सेट इतना करना है कि इसका जो सबसे बेस वाला है नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ कवर हो जाए। उसके बाद फिर उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। फिर से इस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा साइज़ में बढ़ता जा रहा है जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा देखिए पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा होगा। ऐसे ही हम लोगों को कटिंग करना है। बस इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको हाथ से इस तरीके से सेट कर ऊपर की तरफ कैंची से कट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट में रख रहे हैं और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। फिर दोनों कॉर्नर से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से ऐसे कर पकड़ कर कटिंग करेंगे। बहुत ही ईजी है बनाना, इसको बनाना इतना आसान है कि 2 से 3 मिनट में आप लोग इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारा इसी तरीके से कलर का बनाकर आप लोग डेकोरेट जब करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है, खुद को खुशी होता है इस तरीके से अगर हम लोग फ्लावर वगैरह डेकोरेट करने के लिए बनाते हैं तो। देखिए लास्ट में यहाँ पर भी इस तरीके से मैं एक लेयर और कट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद जितना एक्स्ट्रा दिखेगा उसको भी कटिंग कर लेंगे और नीचे की तरफ से इसको इस तरीके से पकड़ कर देखिए यहाँ पर ये फ्लावर बन चुका है। बस इसको नीचे की तरफ से बांधना है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सुई धागा ले लिया है। सुई धागे की मदद से देखिए इस तरीके से पहले धागे में नॉट लगा लेंगे और 2 से 3 नॉट पहले देखिए इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद पूरे राउंड में हम लोगों को धागे को लपेटना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग जब धागे को लपटेंगे तो वो अच्छी तरीके से सभी लेयर में आना चाहिए, कोई भी लेयर छूटना नहीं चाहिए। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आप लोगों को बनाना है और 2 से 3 नॉट अच्छी तरीके से लगाना है ताकि जब भी हम लोग इसको यूज़ करें तो ये खुले ना। यहीं पर अगर आप लोग चाहें नीचे की तरफ आप लोग अगर हैंडल लगा देंगे इसको तो फिर ये आप लोगों का फ्लावर वॉश के लिए बन जाएगा। इसको एक बार इस तरीके से देखिए सेट करते हुए ऊपर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कटिंग कर लिया है और इसको सभी लेयर को देखिए इस तरीके से खोलेंगे तो ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाकर बताकर बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।